गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और पता नहीं ये कौन सा व्लॉग है जो आने वाला है, पर इस व्लॉग में मेरी पहली पार्ट टाइम शिफ्ट में मैं जा रहा हूँ, जो कि है एक स्टूवर्ड की। फुटबॉल स्टेडियम में मेरे को ऐसे बाउंसर वाला काम मिला है, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। 12 बजे से स्टार्ट है और 9 बजे ख़त्म होगी, और आज कोई फुटबॉल का मैच है तो CBS एरिना में कोवेंट्री, तो वहाँ पर जाना है। और अभी मैं अपना डाइट वाइट पैक करके लेके जा रहा हूँ। 640 ग्राम्स चिकन, और ये राइस हो गए, फ्रूट्स हो गए, और ये ब्रेकफास्ट में मैं बना रहा हूँ ऑमलेट, प्लस भाई ने आटा मला आज, पराठे खा के जाएगा, और दही, मम्मी ने बोला था दही खाना, चीनी के बाद तो दही। दैट्स इट। तो अभी ये सब बनाता हूँ, फिर उसके बाद रेडी होके निकलते हैं, उसके बाद बताता हूँ कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, और दिखाता हूँ आप लोगों को भी कि हाउ इज़ माई फर्स्ट एवर पार्ट टाइम इन द UK गोइंग टू बी। ये चाय देखो, कढ़ाई में चाय बनना नहीं बंद होगा मेरा। और वो हमारे हरी भाई बैठे मस्त धूप सेक रहे हैं। व्हाट्स अप ब्रो? तो भाई आज तुम्हारे भाई ने बनाए पराठे, और ब्रेकफास्ट में मैं कर रहा हूँ एग भुर्जी के साथ पराठे, और ये फ्रूट रखे थोड़े से, और ये मस्त अपनी चाय। तो ये ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होने का सिनेमैटिक डालूंगा इसके बाद, और उसके बाद हम निकलते हैं बाहर। बस धूप आ रही है, देखो सेक्सी। गाइस आई एम रेडी फॉर माय फर्स्ट पार्ट टाइम इन UK, और चलो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि पार्ट टाइम है क्या। ये देखो भाई तुम्हारा रेडी हो गया बिल्कुल सेक्सी बन के। और अब ये लंच मैंने पैक कर लिया, डाइट ऑन पॉइंट चिकन है इसमें, फिर 500 ग्राम चिकन, और इसमें है हमारे फ्रूट्स, और इसमें है मस्त राइस। तो है रेडी, बस ऊपर से ब्लेजर डालना है ब्लैक, और फिर हम निकल जाएंगे स्टेडियम के लिए। स्टेडियम में है मेरी फर्स्ट पार्ट टाइम, तो आज है मैच फुटबॉल का, CBS एरिना जा रहे हैं हम। तो बस अब रख रहा हूँ अपना टिफ़िन बैग में, और फिर निकलते हैं बाहर। इसमें मेरा है राइस, इसमें मेरा है चिकन, और इसमें है फ्रूट्स, ये रखना है, और गॉग्स रख लो, ये भी काम आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, और पानी की बॉटल। तो ये सब हो गया है, लेट्स गो। तो हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं for the part time, and this is my friend Ibrahim. Nice to meet you, and bro. We are going to CBS Arena today. Yeah, let's see how it goes. It's going down tonight. Yeah. So अभी हम कैब में बैठे हुए और जा रहे हैं यहाँ से। 10 minutes, I guess. It will take 10 minutes. Yeah, 10 minutes roughly. तो हम लोग आ चुके हैं CBS Arena, ये है स्टेडियम यहाँ का। तो यहाँ पे है मैच at 12:15, right? 12:15. तो 12:15 पे मैच है, और हमारी ड्यूटी है यहाँ पे, एंड अभी गेट नंबर 18 पे जाकर रिपोर्ट करना है, फिर हमें बैजेस और जो भी मिलना है सामान मिलेगा। तो गाइस मुझे अपनी स्टूवर्ड की पोजीशन मिल चुकी है, और यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ नीचे बिल्कुल पिच में। आज मैच है इंग्लैंड का, ये खड़ा होना है और लोगों को आने से रोकना है, बहुत 31,000 लोग आने वाले, 31,000। Oh, God.
तो गाइस घर पहुंच गया था वापस, जस्ट अभी पहुंचो, 11:30 बज गए हैं। 10 घंटे की थी पार्ट टाइम और मस्त दो मैच, एक तो इंग्लैंड वर्सेस इटली था जिसमें 38,000 लोग आए थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था और मज़ा आया और इंग्लैंड जीत गई उसमें। और सेकंड मैच था कोरिया, साउथ कोरिया वर्सेस बेल्जियम का, उसमें कम ऑडियंस थी पर उसमें भी मज़ा आया, तो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, पर वाले पहले मैच में थोड़ा ज़्यादा काम था, ज़्यादा भीड़ थी तो मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी, फैंस पागल हो गई थी लड़कियाँ मेरे लिए, मेरे को देख के कहती अरे 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 कार्तिक आर्यन आ गया तो फिर मैंने संभाल लिया सब कुछ और अब इसके बाद लाइब्रेरी जाना है काम करने का, कोर्ट वर्क का, तो सब मैनेज करना पड़ता साथ में। और जो खाना लेके गया था ना ऐसी कैसी वापस ले आया, क्योंकि उन लोगों ने हमें खाना खिलाया, इतने भी बुरे नहीं थे स्टेडियम वाले। अभी चाय पीऊँगा बस, ज़्यादा बोलने की हालत में नहीं है और थकान तो हो ही जाती है। अब बात करते हैं कि मेरे को ये जॉब मिली कैसे। तो मैंने जो अप्लाई किया था वो इंडीड पे किया था, सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है उस पे स्टीवर्ड जॉब रोल का मेरे को एक दिखा रहा था, तो मैंने उस वैकेंसी पे अप्लाई किया, अपना रेज्यूमे और कवर लेटर डाला और फिर थोड़े दिनों बाद मेरे को मेल आई इनकी। तो मेल आने के बाद एक इंटरव्यू हुआ, देन उसके बाद जब इंटरव्यू ठीक हो गया तो उसके बाद मेरे को एक और मेल आई जिसमें मेरे को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे और एप्लीकेशन फॉर्म होता है इनका, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस था, तो वो सब जब मैंने सबमिट करके भेज दिया तो फिर जब ऑल ग्रीन टिक आ गया तो उसके बाद मेरे को एक ग्रुप में ऐड करा। ग्रुप में ऐड करने के बाद वहाँ पे अपडेट आया कि इवेंट होते हैं, तो उसी पे अपडेट आता है, जो अपडेट्स आते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टीवर्ड्स होते हैं तो हमको कन्फर्म करना होता है कि यस आई एम अटेंडिंग दिस इवेंट। तो वहाँ पे अपडेट आया, मैंने बोला यस आई एम अटेंडिंग दिस इवेंट, तो देन आफ्टर दैट मेरे को ये जॉब रोल मिल गया। सो ऐसे ही करके जितने भी इवेंट्स वगैरह होते रहेंगे सेम ग्रुप में अपडेट आएगा और बस मेरे को वहाँ पे यस आई एम अटेंडिंग द इवेंट बोलना होगा, सो आई विल गेट द जॉब रोल फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट एंड दैट्स हाउ यू गेट दिस जॉब, पार्ट टाइम जॉब इन UK। तो आप लोग भी इंडीड में अप्लाई कर सकते हैं ऐसे करके, और इंडीड पे अपनी प्रोफाइल आके जब UK आओगे तो बना ही लेना, ठीक है। और बाकी नाउ आई एम रियली टायर्ड, तो हूँ मैं चला सोने, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, तो चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलना, मिलते हैं तुम नेक्स्ट ब्लॉग च, बाय।